हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है, हम लोग आए हैं नीलो माधव टेम्पल। तो नीलो माधव टेम्पल के अंदर चलते हैं, आपको भी दर्शन करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। तो अगर आप बाइक पे आ रहे हो तो बाइक के लिए पार्किंग का सुविधा बहुत अच्छा है, मतलब आप पूरा मंदिर के सामने तक आ सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये अभी हम लोग आके मंदिर के सामने खड़े हैं और मंदिर के सामने के चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, मतलब सारा घर बन चुका है। ये सारे लोग मतलब मंदिर के पुजारी वो सब इसको मेंटेन करके रखे हुए और ये है हम लोग का गरुड़ स्तंभ। और ये रहा नीलो माधव का एंट्री पॉइंट जहाँ से आपको चढ़ना है। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो सीढ़ियाँ है ना वो फ्लैट नहीं है, मतलब थोड़ा अपर डायगोनल के तरफ है, जिससे कि आपको चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और ये बहुत पूरा पहाड़ के ऊपर से आपको इस तरह से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अभी जो मंदिर है आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना टाइप का मंदिर है, पुराना मतलब प्राचीन काल का मंदिर है। अभी इस मंदिर में ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से 600 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और ये जो कि तीनों तरफ यहाँ पे महानदी मतलब घिरा हुआ है, तो वहाँ पे एक स्काई व्यू बनेगा। तो लोग क्या करेंगे, जैसे हम परिक्रमा कर सकते हैं, पहाड़ का परिक्रमा है, भगवान जो कि पहाड़ के ऊपर है तो इसका भी परिक्रमा कर सकते हैं। शायद ये प्रोजेक्ट को अगले 5 साल तक कम्प्लीट किया जाएगा। तो आज हम लोग नीलो माधव में आज हमारे भाग्य में था, तो ये है आज उनका अन्नप्रसाद। तो ये का चार्जेस है यहाँ पे 70 रुपीज। थैंक यू। चलो अभी हम लोग जो है नीलो माधव मंदिर के सामने, ये हम लोग बोल सकते हैं दक्षिण द्वार है जो कि बाहर निकलने का है। तो मंदिर के पास आज एक हनुमान मंदिर भी है। तो यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है और हनुमान मंदिर के नीचे एक पत्थर जैसा मतलब समाधि लगाया हुआ है। वो बोला जाता है कि वो मतलब एक बंदर था जो यहाँ पे रोज़ आके खाना खाता और भगवान को मतलब देखता था, भगवान का वेट करता था या भगवान का इंतज़ार करता था। तो वो चले जाने के बाद यहाँ पे उसका समाधि बना दिया गया है और वहाँ पर उनको लगता है कि वो हनुमान है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वो हनुमान जी का पूजा किया जाता है। तो अभी हम लोग चारों तरफ मंदिर की तरफ घूम के, मैं आपको मंदिर का बाहर का दिखा दे रहा हूँ, अंदर अलाउ है या नहीं है मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं जाके अंदर रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तो अभी हम लोग नीलो माधव के नीचे आके खड़े हैं, नीचे मतलब महानदी के पास। ये तो तीनों तरफ से ये नदी से घिरा हुआ है। अगर आप इसके उत्तर वाले जो द्वार से आ रहे हैं नीचे, तो फिर यहाँ पे ये बोटिंग का भी सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ पे बोटिंग किया जाता है या एंजॉय कर सकते हैं बोटिंग का। तो यहाँ पे एक मतलब म्यूज़ियम है, अभी इसके बाद जाएंगे म्यूज़ियम पे, फिर देखेंगे, फिर दक्षिण द्वार पे जाएंगे क्या होता है देखेंगे। हाँ सेपोर्ट सेपोर्ट है, हाँ निजे निजे वो कहला हो गया पहुँचा जा पड़े ना वो। Thank you.
तो अगर बारिश के दिनों में नदी का पानी पूरा यहाँ तक आ जाता है, ऊपर तक आ जाता है, तो इसके लिए इसको यहाँ पे पूरा सीढ़ी बना के रखा गया है। और ये जो मंदिर है पूरा पहाड़ के ऊपर है पूरा ये मंदिर। तो अभी थोड़ा चलते हैं म्यूजियम को, म्यूजियम में देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आके पहुंच गए हैं म्यूजियम में, तो एक बार म्यूजियम चलते हैं देखते हैं। विश्वासु निजर कन्या ललिता को विद्यापति अर्पण करने को चिंता कर एक कहते विद्यापति प्रथम राजी करना कि निज मध्यस्थ पढ़ापी शेषे विश्वासु पाखे राजी हो पौष मास शुक्लपक्ष द्वादशी तिथि विद्यापति ललिता पारित करे उभय अति आनंद दिन काटा लगे कि अंते विद्यापति। तो ये सारे स्टोरी जो भी है भगवान मेरा माधव कहाँ से वो इस पहाड़ के ऊपर पहुँचे, ये पूरा स्टोरी आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। और साइड के पीछे बैकग्राउंड में इसका स्टोरी उड़िया पे चल रहा है, अगर आप आएंगे तो पता चल पाएंगे कि नीला माधव का एक्चुअल में स्टोरी क्या है। तो ये हम लोग मंदिर के नीचे जब आ रहे हैं, या मंदिर के नीचे स्टार्टिंग के समय पे शिव के लिंग के तरफ एक मूर्ति का आकृति दिया गया, मंदिर का आकृति दिया गया, उसके अंदर काली माँ का मंदिर है और काली माँ को पूजा किया जाता है।